स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सबोर्डिनेट ऑफिसेज है उनको ये बताया गया है कि अगर कहीं पे भी कोई भी ज्यादा दिक्कत है तो वो फीडबैक रूम को जरूर बताए। इस व्यवस्था के तहत अगर कुछ भी ऐसा देश में हो रहा है तो तुरंत हमको पता लगना चाहिए। अभी तक के जो खबर आए उसमें एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हमें मालूम हुआ है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम हुआ हो। वो देखते हुए ये लग रहा है कि करीब सुचारू रूप से अच्छी तरह से जीएसटी की स्वीकृति देश में हो गई है और लोगों ने इसको अच्छी तरह स्वीकार किया है। जहां तक रूल्स और नोटिफिकेशन जारी करने की बात है, सब स्टेट गवर्नमेंट ने अदर देन जम्मू कश्मीर जितने भी रूल्स को नोटिफाई करना था या नोटिफिकेशन निकालने थे वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया उसी नोटिफिकेशन को एसजीएसटी एक्ट में नोटिफाई कर दिया है। सो वो भी खबर हमारे पास आ गई है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग दी प्राइस सिचुएशन एंड सप्लाई सिचुएशन। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग लिया था सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का। कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जिसमें 15 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज मेंबर्स हैं, जो मेन मेन डिपार्टमेंट है जिनका कंज्यूमर के साथ ताल्लुक है, ऐसे 15 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज उसमें मेंबर है। तो वो मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी रिव्यू किया डिपार्टमेंट वाइज और उन्होंने ये सूचना भी दिया कि उन मिनिस्ट्री को उन डिपार्टमेंट को अपने अपने क्लाइंट ग्रुप का ध्यान रखना है और उस कॉमोडिटी में या उस ग्रुप में कोई तकलीफ ना हो वो उनको ध्यान रखना है। उनकी कॉमोडिटी का प्राइस सिचुएशन भी मॉनिटर करना है, सप्लाई सिचुएशन भी देखना है और उनकी जो क्लाइंट ग्रुप है उस डिपार्टमेंट की उनके लिए रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन की सब सुविधा में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो डिपार्टमेंट मॉनिटर करेंगे, हमको बताएंगे। तो उसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी खुद भी जीएसटी का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और व्यवस्था जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने बनाई है जिसका प्रारंभ कल से होगा वो ये है कि देश के पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है, एक एक ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे। करीब 175 ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं उनको 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी दी जाएगी। उनके साथ एक लिंक ऑफिसर होंगे जो हमारे फील्ड में जो सीबीईसी के कुछ ऑफिसर्स है वो ऑफिसर उनके साथ लिंक ऑफिसर रहेंगे उस 4-5 डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज। और उन ज्वाइंट सेक्रेटरीज एडिशनल सेक्रेटरीज को ब्रीफिंग करने की पहली मीटिंग कल विज्ञान भवन में सुबह होगी और उनको क्या करना है किस तरह से मॉनिटरिंग करना है वो पूरी बात उनको बताई जाएगी। बेसिकली उनको फील्ड में जाना नहीं है लेकिन यहीं बैठ के उन 4-5 डिस्ट्रिक्ट की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करना है कि वहाँ कुछ ग्राहक से पूछे, वहाँ कुछ और ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से फीडबैक ले और दूसरे इनफॉर्मल अपने सोर्सेज से फीडबैक ले कि भाई वहाँ जीएसटी को लागू करने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इस तरह की मॉनिटरिंग सिस्टम पूरे देश के लिए हर 4-5 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट मतलब 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ऑफिसर को नॉमिनेट किया जा रहा है कल से। तो उनको भी अपना रिपोर्ट देना है कैबिनेट सेक्रेटरी को। जो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग कल हुई उसकी मीटिंग दोबारा हर ट्यूसडे को होगी, हर वीक में एक बार मीटिंग होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी खुद लेंगे उसको। अभी तक जिन्होंने पूरा कंप्लीटेड एप्लीकेशन दिया है वो 2,02,000 के करीब है। आज 2 बजे तक नए रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके अलावा कुछ लोगों ने अपना आधा एप्लीकेशन भर के छोड़ा है, वो बाद में पार्ट ए भर दिया है, पार्ट बी बाकी है। वैसे करीब 1,00,000 से और एप्लीकेशन है और जो कंप्लीटेड एप्लीकेशन है उसमें से 39,000 एप्लीकेशन से ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड एंड द रिमेनिंग आर स्टिल विद इन दैट पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज बिकॉज आफ्टर 3 वर्किंग डेज दे विल बी डीम्ड अप्रूव्ड अनलेस एन ऑब्जेक्शन इज रेज बाई सम स्टेट गवर्नमेंट। सो दे विल बी डीम्ड अप्रूव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज। सो मोर और लेस ऑल दिस एप्लीकेशन वुड गेट अप्रूव्ड इवेंचुअली।
प्राइस बढ़े नहीं और लोगों को सही मायने में पता चले कि भाई किस कमोडिटी में कितना टैक्स कम हुआ है, वो कंज्यूमर को बताने के लिए हमने कुछ मीडिया कैंपेन भी शुरू किए जो आप देख रहे होंगे। उसमें से एक एडवर्टाइजमेंट जो आज के अखबारों में है, उसमें पहले क्या था और अब क्या है, वो कंपैरिजन भी हमने कुछ आवश्यक चीजों के लिए किया है जो कि कंज्यूमर को बड़ा उपयोगी होगा। और हम चाहेंगे कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी इसमें हमें सहयोग करे और खुद ब खुद वो कमोडिटी के प्राइस कम करने में हमें मदद रूप बने। एक बात है जो कंज्यूमर को बताने के लिए, दैट इज अबाउट दी एमआरपी, द इश्यू ऑफ एमआरपी। एक चीज हम आपको बता दें कि काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं, जब ये टैक्स की सिस्टम बदलती है तभी ये सब इश्यू याद आते हैं कि ये एमआरपी के अंदर प्राइस जो होता है एमआरपी का, उसके अंदर टैक्सेस आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, ये एक क्वेश्चन आता है। और दूसरा कि अब टैक्स रेट बदल गया है तो एमआरपी कैसे बदलेगा, किस तरह से वो एमआरपी दिखाएंगे, ये सब इश्यू है। तो एक तो ये इश्यू है, तो उस मामले में हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है अविनाश श्रीवास्तव है, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। मैं उनको विनती करूंगा कि वो एमआरपी का पूरा इश्यू को समझाए और उसमें जब भी कोई टैक्स का चेंजेस आता है तो कुछ समय के लिए एक सुविधा दी जाती है कि एमआरपी का पैकेट तो वही रहेगा, उसके ऊपर स्टिकर लगाने की, वो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अविनाश, थैंक यू सर। सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारा विभाग वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में एमआरपी, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उसका कंटेंट, इस टाइप की चीजें जो है वो रखनी होती हैं। उसी के तहत हमने वेरियस रूल्स बनाए हैं, तो एक उसमें से प्री पैक्ड कमोडिटी रूल्स है, लीगल मेट्रोलॉजी पैक्ड पैकेज्ड कमोडिटीज रूल 2011। इस रूल के तहत हर प्री पैकेज्ड कमोडिटी में छह चीजें लिखनी होती हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर हो या पैकर हो या इम्पोर्टर हो, उस कमोडिटी का कॉमन या जेनरिक नेम क्या है, उसमें चावल है या उसमें तेल है या उसमें क्या है, नेट क्वांटिटी उसकी कितनी है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट और मेजर या नंबर्स हो उसमें, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑब्लिक इम्पोर्ट ऑब्लिक पैकिंग है, एक रिटेल सेल प्राइस है जो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस, और एक है कंज्यूमर केयर डिटेल्स की, इस टॉल नंबर पर आप फोन कर दें तो कंज्यूमर केयर को शिकायत होगा तो उसका जो है जानकारी होगी। जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से जो है वो रिटेल प्राइसेस में किंचित संशोधन हो सकता है, कुछ जगह कुछ चीजों में जनरली प्राइस जब जहां भी चेंज होगा, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, तो उसके जो है जो व्यवस्था मैं आपके सामने रखता हूं। जब प्राइस अगर इंक्रीज करता है एमआरपी से, तो उसके लिए जो है वो मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर या पैकर को अखबार में विज्ञापन देना होता है कि ये टैक्स की वजह से अब ये रिवाइज एमआरपी होगा, और उसके बाद जो है वो उसको अपने जो रिटेलर्स हैं जिनके पास स्टॉक है या खुद अपना स्टॉक भेज रहा है, उसमें जो है स्टिकर लगा के वो जो है द रिवाइज एमआरपी लगाएगा, पर पुराना एमआरपी यथावत दिखेगा, तो दो एमआरपी उसमें दिखेंगे। ये चीज अभी हमारे जो है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान ने अभी अभी हमको ये स्वीकृति दी है इस चीज की कि ये हम जनरली सारे मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री, सारे ट्रेडर्स इन द, सारे पैकर्स इन द कंट्री, सारे इम्पोर्टर्स इन द कंट्री को 3 महीने के लिए डिस्पेंसेशन दे दें, 1 जुलाई से लेके 1 से लेके जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक, कि वो जो भी उनके पास पुराने स्टॉक थे, जो स्टॉक मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 1 जुलाई था, उसको जो है इस व्यवस्था के तहत अगर प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो अखबार में विज्ञापन दे के और स्टिकर लगा के उसको जो है कर सकते हैं रिवाइज एमआरपी में। जहां पर दाम कम होता है वहां पर जो है विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमको रिवाइज एमआरपी भी उसको एक स्टिकर के रूप में दिखाना है, तो ये भी व्यवस्था हमारे उस सर्कुलर में है। एक इसमें तीसरी चीज है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और ये जो आपके पैकर्स वगैरह होते हैं, इनके पास एक्सपेंसिव पैकिंग मटीरियल होता है, बॉटल्स होती हैं आपके जो है वो प्लास्टिक के केसेस होते हैं, जूट के होते हैं, इस टाइप की चीजें होती है, तो वो वाले पैकिंग मटेरियल इज क्वाइट कॉस्टली, इनके पास स्टॉक होता है, तो उस स्टॉक को भी हमने यूज करने की उनको परमिशन दी है, हमारे मंत्री ने परमिशन दी है अप टू 30th ऑफ सेप्टेम्बर
और उस चूंकि उसको प्री वाले जो उनके पास पैकेजिंग मटेरियल है उसमें पुराने रेट्स वगैरह लिखे होंगे, तो उसमें जो है नए रेट्स और नई चीजें लिख के उसको जो है यूज कर सकते हैं, ये व्यवस्था सामने करी है। क्वेश्चन जो हमको मिलते हैं उसमें थोड़ा कंज्यूमर को ज्ञान देना जरूरी है। जैसे हम कह रहे हैं कि 20 लाख तक का व्यापारी जो है उसको रजिस्ट्रेशन ना लेना है ना कोई रेगुलर टैक्स देना है उसको, एक मतलब वो कुछ टैक्स ही नहीं देना है उसको। तो काफी कंज्यूमर हमको पूछते हैं कि 20 लाख वाला अगर कोई है तो वो हमको बिल कैसे देगा, बिल के अंदर टैक्स कैसे दिखाएगा, टैक्स कैसे सरकार को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी का कंपोजिशन स्कीम में है तो कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी हमको कैसा बिल देगा और उसका टैक्स, मान लो कंपोजिशन में हम ये कह रहे हैं कि 1% लगेगा तो क्या हमको बिल के ऊपर वो 1% दिखाएगा और हमसे 1% ही लेगा कि 12% लेगा या 18% जो भी आइटम का रेट है वो। देखिए इसमें मैं आपको समझा दूं कि जब हम ये कहते हैं कि कंपोजिशन वाला या जो टैक्स एग्जेम्प्ट व्यक्ति है ट्रेडर, वो तो फाइनल माइलस्टोन है, फाइनल इन द चेन। उससे पहले वाले जो स्टेज में टैक्स की इनकम तो सरकार को हो ही जाती है। जब होलसेलर कोई रिटेलर को बेचता है तो वो टैक्स की इनकम सरकार में आ जाती है, होलसेलर ने पूरी भरी होगी। सिर्फ यही है कि जो लास्ट रिटेलर है उसकी वैल्यू एडिशन जो होगी उतनी कैप्चर नहीं होगी टैक्स में, बाकी तो वो टैक्स तो सरकार में आ ही जाता है। इसलिए जो कंपोजिशन स्कीम वाला डीलर है या तो जो एग्जाम डीलर है रिटेलर, वो चाहे बिल में कुछ भी दे न दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो हमारे पास आ ही जाता है। वो टैक्स नहीं भी दिखाए तो भी ठीक है, उसको तो टोटल प्राइस ही दिखानी है अपनी रिटेल में कि भाई इतनी प्राइस का ये बना। सो उसमें लोग कहते हैं कि हमको कच्चा टीसी दे दिया, वो अगर कंपोजिशन वाला डीलर है तो उसमें डजंट मैटर, लेकिन वो रजिस्टर्ड डीलर है तो उसको पूरा का पूरा अपना टैक्स रेट दिखाना है कि जो आपसे चार्ज कर रहा है वो आपको दिखाना है। बट कंपोजिशन वाले डीलर में ये पॉसिबल है कि वो अपने बिल में वो टोटल प्रोडक्ट वैल्यू दिखाएगा, वो उसमें कोई अलग टैक्स का ब्रेकअप नहीं दिखाना है उसको, क्योंकि उसका पहले वाला जो स्टेज है उसमें हमारे पास टैक्स आ गया होगा होलसेलर तक, वो रजिस्टर्ड डीलर जो होगा लास्ट वाला उससे हमारा टैक्स आ गया होगा। तो ये जस्ट क्लैरिफिकेशन सो दैट पीपल आर नॉट कंफ्यूज, एंड कुछ लोग अननेसरी इसकी क्वेश्चन नहीं उठाए कि मैं फलानी दुकान में गया, वो छोटा ट्रेडर था, उसने मेरे को बिल कुछ नहीं दिया या तो बिल में कुछ लिखा नहीं। अगर वो कंपोजिशन डीलर है तो ही मे नॉट बी गिविंग यू एग्जैक्ट टैक्स ब्रेकअप, ही इज नॉट सपोज टू डू इट, उससे पहले वाले स्टेज में टैक्स कैप्चर हो गया है हमारे पास। एक तो ये है। दूसरा फाइनली एक वन लास्ट पॉइंट इज कि अलग अलग व्यापारियों को जो अभी भी इंफॉर्मेशन का गैप है, पीपल वॉन्ट टू नो मोर, और कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स उनको भी काफी कुछ जानना है नए लॉ के बारे में, नए रूल्स के बारे में, नए फॉर्म्स के बारे में। और उसके अलावा ऐसा पॉसिबल है कि हमारे जो स्टाफ नीचे के लेवल पे है उन सबको भी कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड है जो कि दिल्ली से ही हम पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक विस्तृत व्यवस्था की है, हमने डिसाइड किया है कि मीडिया के लिए एज वेल एज व्यापारियों के लिए या सबके लिए एक हम क्लास लेंगे, इसको हम बोलते हैं जीएसटी की मास्टर क्लास। वो 6 दिन चलेगी और 6 दिन रोज 1 घंटा चलेगी, डीडी नेशनल पे ये लाइव जाएगा। उसके अलावा आप लोगों के ऊपर, आपको भी छूट है अपना कैमरा लगाने की और उसको लाइव करने की आपको भी छूट है। तो इसकी क्या व्यवस्था होगी, किस दिन में किस टॉपिक के ऊपर होगा, क्या क्लास होगा और कहाँ पर होगा, उसकी डिटेल मैं रिक्वेस्ट करूँगा वनजा सरना को देने के लिए। Just to brief you on what we have planned. So it's going to spread over a 6-day period. The first 3 days will be in English, in Hindi, sorry, and the next 3 days in Hindi, in English. So we start with Thursday, Friday and Saturday. On Thursday and Friday, that is 6th and 7th of July, it will be between 4:30 and 5:30 on all 3 days. The first day will be covering registration and migration. On the second day, it would cover composition and invoice making, and on day 3, transition provisions and record keeping. On Saturday, we would be having it from 11 to 12 noon. Similarly, for English, it would be on 3 days, Monday, Tuesday and Wednesday, that is 10th, 11th and 12th of July, and the sessions would be the same in English between 4:30 and 5:30 p.m.
It will be a new media center. Yes, at the new media center. It will be a new media center. All press people are welcome. All cameras are welcome. You are free to telecast it. It will also be available on the webcast on all the channels that we have, PIB channel, YouTube, and our Facebook Live. All these channels, we will be also live webcasting it. So any tax practitioner also sitting in his office, he can also watch it. So we would like to inform everybody that please do attend these classes so that there is a direct clarity coming from Delhi, which is the same clarity right throughout, from Delhi to state capital, right up to small subdivision. All our officers and tax officers, tax practitioners, everybody has the same understanding about those issues. And this will be mostly in form of question and answer. There would be a 10-minute presentation about that topic. And then lot of questions. We will be pre-collecting all the questions. And you are also free to send us questions, which can come on our Ask GST, jo humne Twitter pe laga hai. And so we will try and gather some of the most frequently asked questions out of them and address them by giving an example also. So we will give this class by giving specific example also, so that the traders and everybody understands the entire process very, very clearly. So we want to communicate directly so that there is a clear understanding throughout the country about certain tricky issues. And we hope that 3 days of 1 hour each, that will help us solve a lot of FAQs during this period. Sir, one Ji. Sir, कल आया कि 22 स्टेट में हमने चेक पोस्ट खत्म कर दिए, लेकिन अभी भी कई जगहों पे होता है कि जो लोकल बॉडीज टैक्स हैं, ग्रीन टैक्स है, वो लगते रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से लेवीज हैं जो किसी भी शहर या किसी स्टेट पे इंटर करते समय लगते रहेंगे? नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कॉमोडिटी के ऊपर तो कोई भी सेस नहीं लगा सकते कोई। इट कैन बी एनी अदर थिंग, इट कैन बी टोल चार्जेस फॉर एग्जाम्पल फॉर रोड. Now toll charges can be there because of the road का user charge है. Mandi charges होते हैं जो mandi use करने के लिए लेते हैं, APMC charges. तो वो सब थोड़े रहेंगे, वो उसके ऊपर तो वो GST का कोई अधिकार नहीं है. But उसके अलावा कोई चीज़ नहीं रह सकती. कल हमने जो आपको रिपोर्ट दिया था कि करीब 22 स्टेट में से तो चेक पोस्ट निकल गई है और बाकी स्टेट में भी दे आर इन द वेरियस प्रोसेस एंड वी होप के विद इन 1 month दे विल ऑल बी एबल टू. एंड सम अदर स्टेट्स वेयर दे हैव रिटेन्ड चेक पोस्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ से सम अदर थिंग, यू नो, नॉट फॉर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ न्यूज रिपोर्ट की हरियाणा और दिल्ली के बीच में. नाउ दैट इज फॉर कलेक्टिंग द चार्जेस फॉर ट्रक टू एंटर हरियाणा. इट इज नॉट फॉर द गुड लोडेड ऑन द ट्रक. You know, so that kind of a thing might be there, but that is a vehicle charge, lifetime tax. हम एक state में बढ़ते हैं, फिर दूसरे state में, unless you have got a national permit, they take some charges, you know, from cars or vehicles. जैसे यहाँ की टैक्सी अगर हरियाणा में, गुड़गांव या नोएडा में जाती है, तो they take something on the way. So those things are different, you know. Yesterday एक issue, आज हमने एक issue का press note issue किया है, physically handicapped लोगों की जो वस्तुएं हैं. We have given in the press note that there are 22 items where the GST Council had decided to keep it in 5% bracket. Now, the reason for this is ki it is not to do disservice to them, it is to help them that we have kept it in 5%. Because somehow people have not understood the logic behind this. So we want to explain to you the logic. Under GST, the first principle is कि देर शुड नॉट बी एनी कास्केडिंग ऑफ टैक्सेशन. नाउ इफ यू कीप एनी सच आइटम इन जीरो रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, देन व्हाट हैपेंस इज कि ऑल देयर रॉ मटेरियल्स आर आइदर स्टील और प्लास्टिक और ग्लास. नाउ ऑल दीज आइटम्स मे बी अट्रैक्टिंग 18% रेट ऑफ ड्यूटी. सो द रॉ मटेरियल्स हैव गॉट सम टैक्सेस लोडेड ऑन टू इट. इफ यू कीप इट इन 0%, द रिफंड ऑफ इट इज नॉट अवेलेबल. If you keep it in exam category, and the goods will be loaded with more cost compared to keeping it in 5%. By keeping it in a very reasonable rate of 5%, the manufacturer will be able to pay 5% out of input tax credit, and the remaining amount will be refunded back to him. So the price of this commodity should come down because of this. If you keep it in zero category, and suppose there is an input tax credit accumulation of 11% on the commodity, so the entire thing will stick to the cost of the product.
and the product will become more costly. But by keeping it in 5%, we have ensured that at least the remaining 6% is given back to the manufacturer and he can reduce the cost. Second thing which happens is that if you don't keep it in 5%, imported wheelchair and imported orthopedic products or all the products for physically challenged people will come without any tax, zero. There will be no IGST of 5% on that also. Now at least there is an IGST of 5% on that. So to that extent there is a defense available. So all imported products would become cheaper. If you don't give that fellow the benefit of this input tax credit refund, then domestic products will, the production domestically can stop completely if you don't allow this facility, because then everything will be imported, all physically challenged items will be imported if you don't put our fellows at par. So this is the reason why we have put it in 5%, and I think it is reasonable, and the tax incidence is not going up but going down because of this. So this is what we wanted to explain. I'd like to add one more point with regard to the program that we have, the 6 days, 3 and 3, that the topics chosen are those which are the most frequently asked questions now, because they are the relevant topics right now where people are facing maybe some issues. There are so many others, but as a start we thought we'll cover those which are presently being questioned. Okay. Anything else? काफी लोगों को बिल जो अभी नहीं मिल रहा है, काफी कंज्यूमर्स को कह रहे हैं हम अपडेट कर रहे हैं, नहीं वही मतलब कि देखिए मैंने आपको समझाया ना कि बिल अगर छोटा ट्रेडर है इट इज इमटेरियल कि वो बिल दे ना दे, बिकॉज वो कंपोजिशन में है या तो जीरो में है. बट जो बड़े हैं उनको तो बिल देना ही देना है. ओनली कंफ्यूजन दैट क्रिएटेड वॉज कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं, हम कंप्यूटर में कैसे बिल जनरेट करेंगे. हमने बोला ही नहीं था कभी कि कंप्यूटर में ही बिल जनरेट करना है. आप इनवॉइस नंबरिंग होना चाहिए इनवॉइस का. आप इनवॉइस नंबर के साथ मैनुअल भी इश्यू कर सकते हैं. आपको उसका हिसाब किताब रखना है इनवॉइस वाइज. जो रजिस्टर्ड डीलर है 75 लाख से ऊपर वाला, उनको मैं कह रहा हूँ, उनको इनवॉइस वाइज आपको डिटेल रखना है. और फिर बाद में टोटल टर्नओवर की डिटेल आपको देनी है, जो अगर B2C वाला है तो, और B2B है तो उसको इनवॉइस वाइज डिटेल अपने रिटर्न में देनी है. सो ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है. अब कुछ जगह पे अगर उनको पता नहीं है कि कितना टैक्स रेट लगाना है वगैरह, थोड़ा 4-5 दिन का टाइम तो उनको एडजस्ट करने के लिए देना पड़ेगा उनको कि भाई वो सब लोग. बट हमें खुशी है उस बात की कि आई एम ऑल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि देर आर मेनी डीलर्स डाउन द लाइन, पर्टिकुलरली स्मॉल रेस्टोरेंट, दे ऑल एडजस्टेड टू इट एंड राइट फ्रॉम डे वन, एंड वी आर गेटिंग सम प्लेजेंटली सरप्राइजिंग रिपोर्ट्स अबाउट इट, यू नो. In tandem with the outlook that government has of inflation, because it should not have an impact on inflation is what the government has been trying. That's what we are doing. The entire monitoring mechanism with secretaries of the government of India, with joint secretaries, additional secretaries, and the way we are keeping an eye on the price situation, on the supply situation, that itself is a step in that direction. And the biggest thing is consumer education. The consumer has to know what has been the incidence of on me. So once we tell the consumers, consumers themselves will demand that why is there not a price cut. So as I had earlier also said, that probably these two steps, competition and consumer education, that itself to take care of the situation, we may not need to use anti-profiteering. And so far all reports have been positive. There are many products on which people have reduced the prices. These are the reports which are coming. Absolutely, we can do that, but point is we'll have to keep our fingers crossed still, you know, it's too early to celebrate. We will. सर, बहुत सारे चीजें हैं सर. एक तो महाराष्ट्र ने अभी 2% का एडिशनल रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ाया है, ये जीएसटी के मूल भावना के कितना खिलाफ है. कौन सी चीज पे 2% बढ़ाया? व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स. हाँ, वो तो दैट इज आउटसाइड द जीएसटी. That is outside the GST. The state governments have got powers for their registration, stamp duty, portable alcohol. It doesn't matter what do they do about that, you know. That's for them to. एक के बाद एक. मलिक साहब विल डिसाइड. नहीं, वो इट इज अ डिफरेंट थिंग. देर माइट बी सॉर्ट ऑफ वॉन्टिंग टू कॉम्पनसेट फॉर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सबसे बड़ा उनको घाटा होने वाला है, बिकॉज ऑक्ट्रॉय कितनी बड़ी थी इनकम
मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, बट इट्स अ बिग थिंग दैट हैज हैपन्ड कि मुंबई में कोई भी सामान एंटर हो सकता है विदाउट एनी बैरियर्स. इट्स अ बिग थिंग दैट हैज हैपन्ड.